जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स के क्रैश कोर्स में। आज फास्ट ट्रैक में हम लोग देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा सबसे टॉपिक है आज, स्केलर एंड वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर में कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का जो लेक्चर कंटेंट्स है वो ये है। लिस्ट ऑफ फार्मूला हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये देखिए सबसे पहला वेक्टर एंड स्केलर, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो भाग में बांटा गया है, एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। ठीक है, तो स्केलर में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और साथ ही साथ जो वेक्टर होता है वो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका देखिए कुछ वेक्टर के टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे आपका नल वेक्टर हो गया, वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होता है उसको नल वेक्टर कहते हैं। फिर पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके पास ओरिजिन, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फ्री वेक्टर, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वेयर बट नॉट ओरिजिन होना चाहिए पर। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हो और ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड वन। इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी इक्वल है तो उसको हम लोग दोनों को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अपोजिट वेक्टर, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मान लीजिए दो वैक्टर हैं, अगर मान लीजिए वैक्टर ए आपका ऐसे है, वैक्टर ए, और वैक्टर बी आपका ऐसे है, वैक्टर बी, तो हम इन दोनों को, अगर इन दोनों का मान लीजिए कि ऐसा है आपका, ठीक है, तो हम इसको, इन दोनों को क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हो गया आपका। और भी कई सारे टाइप्स हैं जो इसमें नहीं मेंशन, जैसे कोप्लेनर वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है आपका, फिर इस तरह से बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपका है स्केलर एंड वेक्टर, तो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको क्या क्या है। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, जितने भी स्केलर क्वांटिटी होते हैं वो वन डायमेंशनल होते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वो 1D भी हो सकते हैं, 2B हो सकते हैं, और 3D भी हो सकते हैं। ठीक है, एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। और पॉइंट नंबर थर्ड है, एनी चेंज इन वैक्टर क्वांटिटी कैन रिफ्लेक्ट आइदर चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन बोथ। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट रिजॉल्व एज इट हैज़ सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ, मतलब कहने का ये मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल के, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक वैक्टर, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका कोई वैक्टर ए है, तो हम इस वैक्टर को, और ये वाई एक्सिस है आपका। ठीक है, तो अगर ये ए वैक्टर एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा तो एक्स के डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड ए साइन थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, या फिर हम इसको कह सकते हैं ए कॉस थीटा को हम लोग एक्स कंपोनेंट कहते हैं और वाई, ए साइन थीटा को हम लोग वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। बट हमें ऐसे याद नहीं रखना चाहिए, हमें कंपोनेंट को जब भी याद रखना चाहिए तो हमें कैसे याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी वैक्टर है, कोई भी वैक्टर है, ठीक है, तो वैक्टर ये, अगर मान लीजिए वैक्टर आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वैक्टर ए, ठीक है, तो अभी मैंने जब यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ तो आप इधर बोल रहे हो ए कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं जब यहाँ पर थीटा ले लूँगा तो आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। तो अगर आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पर इस एक्सिस को मैंने एक्स माना है बट हम इसको वाई माने हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर ए कॉस थीटा, फिर से देखिए अच्छे से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहने का ये मतलब है कि अगर मान ली जाए दो एक्सिस है आपका, इसको आपने एक्स माना और इसको आपने वाई माना, और ये कोई वेक्टर है वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर ए है और हम यहाँ थीटा मान रहे हैं, तो एक्स, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है और ये ए है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले डायग्राम जो मैंने बताया था उसमें आप एक्स, ए कॉस थीटा को एक्स कंपोनेंट बोल रहे थे, बट यहाँ पर आपका ये वाई कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, तो हमें कैसे याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हम अगर ऐसे याद रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा।
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए साइन थीटा है, और इसके उसमें इसके पहले वाले में हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर हम ये थीटा मानते तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट मेरा हो जाता ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखें। तो कहने का ये मतलब है, हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे तो डिफरेंस में हम लोगों ने ये देखा कि जो आपका क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कंपोनेंट दे सकता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी वो कंपोनेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एग्जांपल देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में छोड़ रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये है, फ्यू एग्जाम्पल्स। स्केलर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, ये सारा स्केलर का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, और भी कई सारे चीज होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए और भी एग्जाम्पल है, डिस्टेंस स्केलर, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी, पावर, ये सब सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सब सब स्केलर क्वांटिटी है। और इधर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, ठीक है, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग, ये सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपका स्केलर और वेक्टर का एग्जांपल था। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम जानते हैं सभी, हम लोग सभी जानते हैं कि एक सेकेंड, हाँ हम लोग सभी जानते हैं कि जो ए डॉट बी होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और जो ए क्रॉस बी होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम आई डॉट आई करते हैं तो वो जे डॉट जे और बराबर के डॉट के, ये हो जाएगा आपका वन। अब बोलोगे सर कैसे वन होगा, थोड़ा सा बता दो सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे वन होता है। हमारे पास ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है, तो अगर आप आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई क्या आएगा आपका, तो आई डॉट आई आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड, आई के क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, तो आई का मैग्नीट्यूड वन, और फिर आई का मैग्नीट्यूड फिर वन, मतलब ये वन और ये फिर वन, और कॉस अगर आई वेक्टर हम इधर मान रहे हैं तो ये मतलब और एक आई क्या होगा उसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है। तो यहाँ पर ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड वन और बी का मैग्नीट्यूड वन, और कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस जीरो डिग्री आ जाएगा, तो कॉस जीरो डिग्री क्या होता है, वन, तो वन इंटू वन इंटू वन, तो वन इंटू वन इंटू वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी आई डॉट ए जो है, आई डॉट आई क्या होगा, वन हो जाएगा। तो उसी तरह से जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये सभी बातें जो हैं हमें बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के एंड दिस इक्वल्स टू वन, एंड नाउ द सेकेंड आई डॉट जे बराबर जे डॉट के एंड दिस इक्वल्स टू के डॉट आई दिस इक्वल्स टू जीरो हो जा होता है, अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का के साथ करेंगे और के का आई के साथ करेंगे, तो इन सभी केसेस में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, उसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देख लीजिए आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, ये सभी क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम आई का जे के साथ करेंगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे देता है, कोई वैक्टर ए दे देगा और कोई वैक्टर बी दे देगा, मान लीजिए ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वैक्टर बी बराबर जो है आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये है आपका। और तो यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो वेक्टर सी जो होगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। तो हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करते हैं, पहले आई जे के को लिखते हैं, फिर उसके बाद ए वाला वेक्टर ए का कंपोनेंट यहाँ पर लिखेंगे, आई का देखिए ए एक्स है, फिर जे के जगह पर कितना है, ए में ए वाई है, फिर आपका के जगह पर ए जेड है, तो ऐसे करके अरेंज कर देंगे। उसी तरह से बी का लिख देंगे, तो ये आपका इस तरह से, फिर इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए पूरे वेक्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो दोनों का अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका स्पेशल केसेस होता है वो हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आपको फिर भी याद रखना चाहिए, अगर कॉस थीटा अगर जीरो डिग्री है तो ये पूरा मतलब वन हो जाएगा, तो टू ए बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी। कहने का ये मतलब है कि अगर दो वैक्टर हैं, आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ऐसे है वेक्टर बी, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि
आप निकालो वेक्टर ए एंड प्लस बी, तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा दोनों के बीच क्या है, जीरो डिग्री है। तो अगर थीटा जीरो डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। और अगर टू ए बी कॉस थीटा तो कॉस जीरो वन होता, टू ए बी हो जाएगा यहाँ पर, टू ए बी ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा है आपका, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनल क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर हमें ए और बी एक ही डायरेक्शन में रहे तो हम दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, और अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो हम दोनों को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लामी थ्योरम है, लामी थ्योरम में भी आपको यही याद रखना है। लेकिन लामी थ्योरम के पहले देखो, जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर का, तो हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए, कौन सा, ये टेन थीटा वाला, टेन अल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो आप हमेशा याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद लामी थ्योरम, लामी थ्योरम क्या होता है, अगर तीन वेक्टर आपका है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ऐसे है, और बी और सी के बीच का एंगल अल्फ़ा है, सी और ए के बीच का एंगल बीटा है, और बी और ए के बीच का एंगल गामा है, तो हम जो वेक्टर ए होगा, तो जैसे वेक्टर ए देखिए, सॉरी हाँ कहाँ गया, ये आप देखिए, जैसे आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में आपका, मतलब मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे है, ये आपका कैसे था, ये सी था, ये आपका बी था और ये आपका ए था, तो ए के अपोजिट साइड वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा है, तो हम लिखेंगे ए बाई साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो उसी तरह से और आगे भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए, तो हम लिख सकते हैं ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी बाई साइन बीटा, तो बी वैक्टर ये है और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, बीटा है, और सी वैक्टर ये है और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, गामा है। तो जब ये जो हम लिखते हैं ना, ए बाई साइन अल्फ़ा बराबर बी बाई साइन बीटा इक्वल्स टू सी बाई साइन गामा, तो इस पूरे को मतलब कहते हैं लामी थ्योरम। ठीक है, तो लामी थ्योरम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अब आते हैं सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल देखिए, वेक्टर का सबसे पहला सवाल ये है आपका, क्या है, गिवन वेक्टर ए इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे एंड मतलब कोई वैक्टर दिया हुआ, ए इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे, ये वैक्टर दिया हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि द एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, ओके, तो टू आई प्लस थ्री जे, देखिए जब इस तरह का सवाल रहे तो हमें क्या करना चाहिए, एक डायग्राम के मदद से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस और ये मान लेता हूँ वाई एक्सिस है, अब कोई वैक्टर दिखाना मुझे टू आई प्लस थ्री जे कैप, यानी एक्स पे कितना चला है, टू चला है, और वाई पे कितना चला है, थ्री चला है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, और इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए, और ये आप पॉइंट हो जाएगा आपका टू एंड थ्री। तो बोल रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस ये वाला है, तो देखिए ये कितना था, टू था, तो इसके पैरेलल टू हो जाएगा, और एक्स एक्सिस, सॉरी हाँ ये एक्स है, तो एक्स कितना, एक्स में कितना यूनिट है, दो यूनिट है, क्योंकि आई का कंपोनेंट क्या है, एक्स है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप ऐसे समझो इसको, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, अगर सिंपली अगर पूछता कि अगर एक्स एक्सिस के साथ पूछता, सेम सवाल रहता, और अगर हमसे पूछता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, बट हमें क्या पूछ रहा है, वाई एक्सिस के साथ पूछ रहा है, तो वाई एक्सिस के साथ हम कैसे करेंगे, एक आपका ऐसे हो गया, ठीक है, और हम एक वेक्टर ए मान ले रहे ऐसे, और इसको मान ले रहे वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका थीटा, तो एक्स में कितना यूनिट कट किया, दो यूनिट, क्यों, क्योंकि आई के साथ दो है आपका, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक्स की जगह पर टू और वाई की जगह पर थ्री, तो ये हो गया आपको वाई की जगह पर थ्री और एक्स की जगह पर टू, तो ये हो गया थीटा, तो थीटा क्या, तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये देखिए, मतलब यहाँ से अगर टेन थीटा आप निकालोगे तो आपको टेन थीटा क्या मिलेगा, आपको टेन थीटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेन थीटा ये वाला परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई बेस, क्योंकि थीटा से जस्ट टचिंग साइड जो होता है वो बेस होता है, तो टेन थीटा जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू बाई थ्री, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स टू बाई थ्री, तो यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी इसका कौन सा आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल है द यूनिट वेक्टर ऑफ आई प्लस जे, तो ये सवाल देखते ही आपको
ख्याल आ जाना चाहिए कि ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सवाल जो है बहुत आसान है। बोला कि द यूनिट वेक्टर अलोंग आई एंड जे, आई प्लस जे ई, तो आई प्लस देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लेते ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ए कैप, तो हम लोग ऐसे यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको मत करो ऐसे करो, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए मेरे पास कितना है, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, ए वेक्टर ए मेरा आई प्लस जे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड। तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड, आई का कोएफिशिएंट कितना, वन है, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, और बी का, जे का भी कोएफिशिएंट कितना है, वन है, तो ये भी वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा आपका रूट टू। तो अगर ये रूट टू हो जाएगा तो आई प्लस जे और डिवाइडेड बाई रूट टू, यानी ये वाला सी ऑप्शन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। उसी तरह से और भी हम देखते रहेंगे, और भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री ये कह रहा है, हाँ बोल रहा है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई थ्री आई प्लस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, द लेंथ एक्स वाई, द लेंथ इन एक्स वाई प्लेन इज। तो भैया एक्स वाई प्लेन में लेंथ पूछ रहा है, तो कोई भी वेक्टर है मान लेते कुछ भी है, तो एक्स वाई प्लेन में पूछे चाहे किसी प्लेन में पूछे, अगर ये वेक्टर दिया हो तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा। इसका लेंथ, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप ये समझ लेना कि आप इसको वेक्टर ए मान लो और आप इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर कितना है, थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। वाई की जगह पर कितना है, वन है, कि जे का कोएफिशिएंट वन है, तो वाई की जगह पर वन है, वन का स्क्वायर वन, और फिर टू का, टू क्या है आपका, जेड है, जेड की जगह पर, तो टू का स्क्वायर फोर। तो देखिए नौ और एक दस, दस और चार चौदह, मतलब फोर्टीन, स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन, स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन इज द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, ठीक है, बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन। देखिए देखिए डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आप ये समझ लेना, डायरेक्शन कोसाइन जब पूछे तो आपको क्या निकालना है, पहले आप निकालोगे वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन, मतलब यूनिट वेक्टर ही आपको बेसिकली निकालना है। तो जब हम ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर क्या है, टू आई कैप प्लस थ्री जे का प्लस फोर के, मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, टू का स्क्वायर फोर, ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा आपका सिक्सटीन, और ये फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, सोलह चार बीस और पच्चीस मिलकर फोर्टी फाइव आ जा रहा, तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी फाइव, यानी इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा टू बाई रूट फोर्टी फाइव, और ये प्लस फोर है तो प्लस फोर बाई रूट फोर्टी फाइव, और ये माइनस फाइव के था तो माइनस फाइव बाई रूट फोर्टी फाइव, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपका डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो आप व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एन एक्सेल वैक्टर। तो देखिए एक्सेल वेक्टर क्या होता है, जैसे टॉर्क है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, नन ऑफ द अबव फोर्स है, तो तीन वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सियल वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ इक्वल्स टू हम करते हैं आर क्रॉस एफ, तो जब हम आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ करेंगे, तो देखिए जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे जो डायरेक्शन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो आर जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए कोई सर्किल है आपका ऐसे, और यहाँ पर इस सर्किल पर दो न्यूटन का फोर्स लग रहा मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट सर्फेस है सी, ठीक है, और इसकी रेडियस दे दिया आर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टॉर्क निकालो, तो टॉर्क पर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है आपका फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है टू, और आपका इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट सी से इस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, टू आर है। बोलोगे सर आपने तो आर ही दिया यहाँ पर, ये आर तो सेंटर तक है ना, ऊपर भी जाओगे तो और आर मिलेगा, तो टू आर हो जाएगा, तो टू इंटू टू आर यानी कितना हो गया फोर आर, ये तो हो गया फोर आर। अब जब इसका डायरेक्शन निकालोगे तो जो एक्सियल वेक्टर जो होता है वो जनरली एक्सिस के अकॉर्डिंग ही होता है। कैसे होता है, मतलब जो आपका एक्सिस होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्किल है और ये सर्किल अपना रोटेशन कर रही है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो जो एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है ना,
वो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। ये 3D थोड़ा सा फील है, 3D है तो 3D में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, बट आप समझ लो, इतना समझ लो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, टॉर्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग। तो भैया एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? तो ठीक है, तो आप याद रखना है इसको, देखिए अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये तो नहीं होती है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी वेलोसिटी हम वी दिखाते हैं और हमें पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी, तो कई लोग यहाँ पर गलती कर देंगे। गलती क्यों कर दी? ये आर है और ये वी का डायरेक्शन है, तो सोचेंगे 90 डिग्री होगा, तो कई लोग बोल देते हैं टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो टेंजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वी दिया हुआ है और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है ओमेगा के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है और यहाँ पर जो वी दिखाया हुआ है वो आपका लीनियर वेलोसिटी है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप समझना। तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग ओमेगा का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये अल्फा है, ओमेगा है, टॉ है, ये सब क्या है, ये सब आपका एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के, एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है एक्सियल वेक्टर के मतलब सॉरी एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो भैया दिस एंड दिस दो वेक्टर का जब बीच का जब एंगल दिया हुआ है, तो आप याद रखना कि दो वेक्टर के बीच का जब भी एंगल दिया हुआ है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये जरूर लगाना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, तो हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए आपका ए क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये क्या है, बी क्या है, बी आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप। तो जब तुम ए डॉट बी निकालोगे तो ए डॉट बी में आपका i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, फिर आपका 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 4 = 16 होगा, और आपका माइनस 5 और प्लस 5 मिलकर हो जाएगा −25। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू जो भी है ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखो ये 9 + 16 ये मिलकर 25 आ रहा है, और −25 पहले से आपका, तो −25 + 25 मिलकर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इसका मतलब 0 = AB cos थीटा क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 0 = A × B × cos थीटा, मतलब ये इक्वेशन आ गया आपका 0 = AB cos थीटा। तो जब आप cos थीटा निकालोगे यहाँ से तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा आपका 0 / AB, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और अगर cos थीटा 0 है तो cos मतलब थीटा अगर 0 है, कॉस थीटा 0 है, तो 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू नहीं, कॉस 0 डिग्री की, हाँ कॉस 90 डिग्री होती है 0, यानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि द यूनिट वैक्टर पैरल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स। ठीक है ना, बोल रहा कि यूनिट वैक्टर निकालिए जो कि इसके और इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में हो। ठीक है, उसके पैरेलल हो, पैरेलल बोल रहा मतलब उसी के डायरेक्शन में। तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है क्या आपका, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ए इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड बी इक्वल्स टू −i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, हम जानते हैं कि अगर कोई वैक्टर ए ऐसे है, ठीक है, और कोई वेक्टर बी ऐसे है और हमें रिजल्टेंट पूछा जा रहा, तो ये होता है रिजल्टेंट सी, तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी पहले निकालेंगे, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 का -1 के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 3i कैप हो जाएगा, फिर 3j कैप है और प्लस 3j कैप है तो +6j कैप हो जाएगा, और फिर आपका +6 और यहाँ −8k है, ये हो जाएगा −2 × k कैप। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी वैक्टर, ठीक है, यानी दो वैक्टर का रिजल्टेंट 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें क्या पूछ रहा है, इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो इसके पैरेलल जो होगा मतलब, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, थ्री इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर होता है एन कैप जो होता है वो वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है, तो वैक्टर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वैक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी कितना आया है, इतना आया है, और इतना डिवाइडेड बाई, इतना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36
और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40, 36 एंड 4 40, 40 एंड 9 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, यानी नीचे जो डिवाइड हुआ है 7 हो जाएगा, यानी 1 मतलब ऐसा हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 7। तो ये आप देखिए आंसर ए आ रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एनडीए में, कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय टू फोर्सेस इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। कोई पार्टिकल है इस पर एक बार 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक बार 4 न्यूटन लग रहा और एक बार लग रहा है 3 न्यूटन, ठीक है। तो बोल रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो देखिए नेट फोर्स पूछ रहा है, तो पूछ रहा है नेट फोर्स क्या होगा। तो हम जैसे ही बोल रहा साइमल्टेनियसली लग रहा है, तो स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है, कोई पार्टिकल है और इस पर 4 न्यूटन पहले लगा और फिर तुरंत बाद में 3 न्यूटन लग गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हुआ, हम बोले थे कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में दोनों को जोड़ देना, ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे कितना, 3 और 4 मिलकर 7 न्यूटन हो जाएगा, तो 7 न्यूटन हो गया आपका। नाउ द नेक्स्ट, लेकिन आप जरा सोचो 7 न्यूटन आप जैसे टिक करोगे तो आपका फ्रैक्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, हो सकता है कि 4 न्यूटन जब ऐसे लगा तो उसके बाद साइमल्टेनियसली 3 न्यूटन इधर लगा, और जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो हम एक दूसरे से घटाते हैं, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 न्यूटन, यानी इसका जो आंसर होगा या तो 1 न्यूटन होगा या तो 7 न्यूटन होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन और 7 न्यूटन तो आंसर यहां पर दोनों ऑप्शन है, तो हम ना ही 1 न्यूटन कर सकते हैं ना ही 7 न्यूटन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यह नहीं दिया है कि साइमल्टेनियसली लग रहा है। अगर डायरेक्शन भी दे देता, अगर बोलता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है साइमल्टेनियसली, तब हम 7 न्यूटन कर देते, या फिर बोलता कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है साइमल्टेनियसली तो हम 1 न्यूटन कर देते, लेकिन यहां पर डायरेक्शन नहीं दिया इसलिए हम क्या करेंगे, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, द वेक्टर सम ऑफ द 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का वेक्टर सम पूछा है। तो आप फिर से ये देखो, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, मान लेते 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है और 6 न्यूटन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो 10 और 6 16, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो कितना लगता, 10 माइनस 6 हो जाता तो 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो 4 न्यूटन और 16 न्यूटन का यहाँ पर देखिए 18 है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि 16 ज़्यादा नहीं हो सकता और 4 से कम नहीं हो सकता, तो 20 भी नहीं होगा क्योंकि 20 जो है 16 से ज़्यादा है, 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 4 से कम है, क्योंकि मिनिमम 4 न्यूटन लग सकता है और मैक्सिमम कितना लगता है 16। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन हो सकता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन मतलब 8 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट बोल रहा है कि ए क्रॉस बी बराबर सी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ऐसे है वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका वेक्टर है आपका बी, ठीक है, और ये आपका वेक्टर है सी, ठीक है। तो आप जैसे ए क्रॉस बी निकालोगे, ठीक है, तो ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी निकालोगे किधर मिलेगा, ए क्रॉस बी जब लोगे तो आपको इस डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी जब करोगे तो ऊपर के डायरेक्शन, मतलब यहां पर आपको ऊपर वाले को हम ऐसे दिखाते हैं पॉइंट से दिखाते हैं, और अंदर की तरफ होता है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप समझिए, ठीक है, ये 3D फिगर है, तो 3D फिगर है तो आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका सी वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक है, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया है वो डॉट आएगा, ठीक है, तो डॉट आएगा, तो डॉट आएगा यानी ऊपर की तरफ, तो अगर यहां पर ऊपर की तरफ होगा और सी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस मान लो इसको, तो एक्स एक्सिस और उसके ऊपर वाई जेड, तो सी और ए प्लस बी, सी क्या है एक्चुअल में, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का जो डायरेक्शन होगा वो सी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का कैसे होगा, सी का डायरेक्शन ऑफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और देखिए, और बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन वैक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दो वैक्टर हैं, ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, तो आप देखो अगर मान लेते हैं वैक्टर ए मेरा ऐसे है और वैक्टर बी मेरा ऐसे है, ठीक है, तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो आएगा डॉट, ठीक है, यानी बाहर की तरफ, ठीक है, और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो आएगा क्रॉस, तो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो हम मान लेते हैं अंदर की तरफ ये वेक्टर है और बाहर की तरफ ये है, क्योंकि अंदर का उल्टा बाहर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है कितना हो जाएगा,
कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, क्योंकि एक अंदर है और दूसरा बाहर है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1। अच्छा दो वैक्टर बोल रहा है, दो वैक्टर है आपका, एक वैक्टर 2 है और दूसरा वैक्टर 3 है, और उन दोनों का रिजल्टेंट 1 है, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर 3 ऐसे लग रहा होगा तो 2 ऐसे लग रहा होगा, तो ही आपका रिजल्टेंट 1 आ सकता है, क्योंकि अगर 3 तुम ऐसे लगाओगे और 2 ऐसे लगाओगे तो 3 और 2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्वेश्चन में दिया और रिजल्टेंट 1 है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 3 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर रिजल्टेंट दिया हुआ और क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो दिमाग ही नहीं काम करता, बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 न्यूटन आपका है इधर आपका प्लस आई के डायरेक्शन में, और 2 न्यूटन है आपका माइनस आई के डायरेक्शन में, ठीक है, ये 3i कैप है और प्लस ये 2 into -i कैप है। तो बेटा जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, यानी आपको 3i कैप और -2i कैप और क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, तो i क्रॉस i करोगे, ठीक है, तो i क्रॉस i करोगे तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और i क्रॉस i करोगे तो i क्रॉस i क्या होगा, मतलब a क्रॉस b क्या होता है, मतलब i क्रॉस i जो होता है वो आपका i का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों का डायरेक्शन कितना हो गया आपका साइन पाई -1, ठीक है। तो i क्रॉस i मतलब यहाँ पर एक i वेक्टर और दूसरा i वेक्टर है, तो इन दोनों के जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो देखिए आपको मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता, मतलब अगर मान लीजिए वेक्टर i ऐसे होता और वेक्टर i ऐसे होता, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता, तो इस समय क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता, 0 होता, क्यों, क्योंकि हम करेंगे ए बी कॉस थीटा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 और बी का भी मैग्नीट्यूड 1, सॉरी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा करेंगे, क्रॉस में साइन होता है, मतलब ये फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए बी और साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ए के जगह पर मेरा आई कैप है और बी के जगह पर भी आई कैप है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 और बी का भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो साइन जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, आई क्रॉस माइनस आई करना है, तो अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई है, तो अगर दोनों के बीच का एंगल पाई है, ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल पाई है तो पाई मतलब कितना हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1 और जे का आई का मैग्नीट्यूड फिर से 1 और साइन पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 0, अरे साइन पाई तो 0 ही होता ना, ऐसे होता है साइन का, ऐसे फॉर्मूला होता है साइन पाई, ये होता है 0, ये होता है π/2 और ये होता पाई, हाँ 0 हो जाएगा, तो साइन पाई होता है 0, यानी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, एंड डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें इस बात का, अगर इसी सवाल में अगर पूछता डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता आपका 6, आई बात सुनिए, तो ध्यान रहे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट पूछा तो 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स गिवेन बाई 6i कैप प्लस 3, सॉरी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करते हैं, हाँ ये रहा। तो बोला था एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स गिवेन बाई 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड 7i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 4k कैप, ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा। तो भैया एंगल निकालने का मैंने आपको बोला था कि जब इस तरह से आई जे के फॉर्म में दिया हुआ रहे और दूसरा वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे एंगल पूछे तो हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, जैसे लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट बी हो जाएगा और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी लगाओ पहले, ए डॉट बी लगाओ तो 6 × 7 = 42, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 4 है और यहाँ प्लस 6 है, 6 × 4 = 24, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 4 है और ये -3 है, तो 4 × 3 = 12, तो -12, तो ये हो जाएगा 42 एंड ये हो जाएगा 12, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी ये आपका स्क्वायर रूट में आएगा, तो स्क्वायर रूट में आपका 54 आ गया, ठीक है। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, 7 × 6 = 42 और 6 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, हाँ ठीक है, हमें निकालना है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, हाँ ठीक है, तो
नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जाओ, एक मिनट, जल्दीबाजी नहीं। यहाँ पर देखिए, हम निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये वाला, ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और हमें निकालना है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए डॉट बी ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी सिक्स सिक्स जा सिक्स सेवन जा 42 एन प्लस 24 एन माइनस 12, और ये ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 36 एन प्लस 36 एन प्लस 33 जा 9, तो 36 दूनी 72 और 9 हो जाएगा 81, यानी इसका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, सॉरी 9 आ गया, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ गया, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। और ये किधर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो 16 16 32, 32 और 49, फिर ये 81, तो ये भी आ गया 9, ये आपका इधर आ गया 9 इंटू 9 इंटू कॉस थीटा, और इस तरफ आ गया आपका 54, तो 54 9 6 जा 54 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 2/3, यानी कितना आ गया, कॉस इनवर्स 2/3 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देख लो, ऐसे मैं फिर से बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करो, कहाँ गया कहाँ गया। ये देखिए 13 14, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, इसको बोलते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाली बात है, ठीक है। तो हमारे पास ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आया, 54 आया, और ए का मैग्नीट्यूड आ गया 9 और बी का भी मैग्नीट्यूड आ गया 9, और ये आ गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा पहले इधर रहने दो, और इधर हो जाएगा ये 54 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, तो 9 6 जाइए हो जाएगा 54, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, तो कॉस इनवर्स कितना, कॉस इनवर्स आ गया 2/3। अच्छा, तो कॉस इनवर्स 2/3 आ गया इसका आंसर। तो भैया कॉस इनवर्स 2/3 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, तो क्या मैंने गलत निकाला है, मेरे पास थीटा जो आया है, थीटा आया है कॉस इनवर्स 2/3, तो क्या मेरा आंसर गलत है, बिल्कुल नहीं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस की जगह पर 2 है और हाइपोटेनियस की जगह पर 3 है, तो परपेंडिकुलर निकालो, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 9 एंड 4 ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो यानी 5। तो अब हमें चाहिए, तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, अगर कॉस थीटा 2/3 है तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई, यानी √5/3, यानी थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/√5/3, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, एक स्टेप बढ़ के पूछा, अगर एग्जामिनर चाहता तो कॉस इनवर्स 2/3 भी ऑप्शन में दे सकता था, बट उसने उसने ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया, उसने ऑप्शन में क्या दिया, साइन इनवर्स √5/3, ये हो गया आपका। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड आज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ए पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो ये मैं क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करिए, ठीक है आप, ठीक है। ये चीज़ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करो, आप खुद पर विश्वास करें, रिजल्ट आपको जरूर आएगा, और लगातार मेहनत करते रहें, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ फास्ट ट्रैक में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ, जय हिंद।